वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी मोस्ट पॉपुलर मैक्सिकन आइटम बना रहे हैं, फहीता, चिकन फहीता, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हम मीडियम लो पे अपना चूल्हा ऑन करते हैं। ये छोटी सी हमारी ऑयल की पतीली है और उसमें हम ये फ्रेश टाइट टाइट सी हरी मिर्चें ढूंढ के आपको लेनी है वो डाल देंगे। ये एक बड़ा एग्जॉटिक सा सॉस होता है, ये बड़ी सीक्रेट है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस ये चली गई और अब हमें इसे भूल जाना है, मीडियम लो पे ही रखना है, बस ऐसे ही छोड़ दें। और हाँ, एक बात बताती चलूँ कि ये ऑयल रीयूजेबल है तो आप फिक्र मत कीजिएगा। और अब चले हम यहाँ आते हैं। चले अब हम ये वाला जिसमें बड़ा फ्राई पैन है वो चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम लो पर। देखें हमारे पास 1.5 पाउंड चिकन ब्रेस्ट है और ये हमने ब्रेस्ट को हाफ में कर दिया है। अब हम इसकी स्लाइसेस करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे। और यहाँ हमारे पास एक बेल पेपर जो थी हमने आधी ले ली है, ये क्वार्टर ये वाली है ग्रीन वाली, 2 हरी मिर्चें ले ली है और एक बड़ी सी प्याज ले ली है। तो चले इसको हम स्लाइस करते हैं। ये हो गई हमारी स्लाइसेस। चले अब हम बेल पेपर ले लेते हैं और ये अनियन को यहाँ डाल देते हैं ताकि हमारे पास रूम हो जाए। और पेपर्स को भी हमें इसी तरह से स्लाइस करना है, ये देखें इसी तरह से। चले ये हो गई हमारी बेल पेपर, रेड वाली भी हो गई। अब हम ग्रीन कर लेते हैं। चले ये भी हो गई हमारी। और अब हम हरी मिर्चों को भी स्लाइस कर देते हैं। इसको हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे ताकि निशानी रहे कि भाई यह तेज़ वाली है, किसी को खानी हो तो खाए। चले अब हम इसको सबको यहाँ रख देते हैं। अब हम इसको आपको बताते हैं कि चिकन की स्लाइसेस कैसे करते हैं। ये देखें हमने चिकन ब्रेस्ट को थिनली पहले तो स्लाइस कर दिया था और अब है हमें अगेंस्ट द ग्रेन्स काटना है। ये देखें ग्रेन्स इसकी यूँ जा रही है ना, तो हमें यूँ नहीं काटना है, हमें यूँ काटना है अगेंस्ट। इससे क्या होगा कि हमारी चिकन जो है वो टेंडर बनेगी, इसीलिए हमने आपके लिए रख छोड़ा था कि हम आपसे को बताएँगे। तो बस इसी तरह सारी काट लेनी है। आप जब भी कभी चिकन को रॉ जब काटते हैं तो उस एरिया को बहुत अच्छी तरह हमें क्लीन कर लेना होता है गर्म पानी से। जैसे कटिंग बोर्ड, सपोज़ अगर अभी आप चिकन मैं काट रही हूँ और उसके बाद मैं ना धोऊँ और वेजी काट लूँ तो वो बेचारी वेजी के हक में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो रॉ चिकन जो है वो बैक्टीरिया छोड़ देती है कटिंग बोर्ड पर या कोई भी सरफेस पर। तो उसे गर्म पानी से बड़े बेहतरीन तरीके से आप वॉश करके करें, या मेरी तरह काहली दिखानी है तो पहले वेजी काटें फिर चिकन काटें। चले ये हमारा कट गया और ये मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है धुला हुआ जो है। अब इसके अंदर हम ये चिकन डाल देते हैं। चले जी ये तो हमारा हो गया। अब हम सारी मैरिनेशन की चीज़ करीब कर देते हैं। और देखें मिर्चें ऐसी लग रही है जैसे पानी में मिर्चें पड़ी हुई है, एग्जैक्टली हमें इसी तरह रखना है। अच्छा देखें अब हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम 1/2 कप ऑरेंज जूस लेंगे, वो डाल देंगे। 1/2 कप पाइनएप्पल जूस लेंगे, वो डाल देंगे। हाँ इसका मैरिनेशन इतना डिफरेंट है और इतना मज़े का बनेगा। 1 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और अब हम सारी ड्राई चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पाउडर और 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर। ये चला गया और अब इसको हम मिला देंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि इसको हम ओवरनाइट कर दें मैरिनेट,
दो तीन घंटे कर लें, और अगर टाइम नहीं है तो फौरन भी कर लें, लेकिन ओवरनाइट का रिजल्ट बेस्ट रहेगा, ये मेरा सजेशन है। चलें अब हम इसको कवर कर देते हैं। और मेरे पास, मैंने रात को एक मैरिनेट सेम इसी तरह किया हुआ है ओवरनाइट, तो इसको मैं रखती हूँ और उसको लेकर आती हूँ। चलें अपना हम चूल्हा ये बड़े वाले फ्राई पैन का हाई कर देते हैं, और ये आपको मिर्चें दिखाते हैं कि मिर्चों को आपको बस थोड़ा सा उलट पुलट करना है, बाकी इसी तरह रखना है, लगेगा कि पानी में पड़ी हुई है ऐसा, ठंडे ठंडे तेल में, गरम गरम तेल में बिल्कुल नहीं, वरना सॉस का कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। चले तो अब हम आते हैं यहाँ, ये यह हमारा पैन गरम हो गया है, यह हम डालते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें अपना चिकन डालते हैं। चले इसे हमें 2-3 मिनट तक छेड़ना नहीं है, जब तक कि हमें आसपास का पोर्शन वाइट नज़र ना आए, फिर हम हिलाएंगे। ये देखें, लग रहा है कि हमने पानी में बिल्कुल डाला है, अब ये थोड़ा थोड़ा बबल होना शुरू हुआ है, लेकिन हमारी मिर्चों का कलर क्या था और क्या हो गया है, यानी तेल इतना कम गर्म है सिमर पे कि हम अपनी ये देखें उंगली तक डाल सकते हैं। देखें आप डालिएगा मत, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक इतना सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट सॉस है, बड़ा डिफरेंट है, ख़ास तौर से इस डिश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैक्सिकन और भी रेसिपीज़ में ये काम आएगा। देखिए ये वाइटिश हो गई, अब हम इसको पलटते हैं। चलें अब हम मिर्च का चूल्हा बंद कर देते हैं और मिर्चों को निकाल लेते हैं बाहर। देखिए ये कितना अच्छा सा हो गया, हमें बनाते हुए 6-7 मिनट हो गई है। 3 मिनट्स एक साइड पर रखा, फिर हमने पलट पलट के भून के 5-6 मिनट से हम फ्राई कर रहे हैं इसको। चले अब हम इसको साइड पर कर देते हैं यहाँ इस तरफ, और हम अपनी वेजीज को इस साइड पर डाल देते हैं, ये गरम गरम यहाँ रहेगा, और यहाँ हम थोड़ा सा 1-2 टीस्पून ऑयल डाल के, और ये हम अपनी वेजीज डाल देंगे। ये देखें मिर्चें इस साइड पर डाल देते हैं, और अनियन इस साइड पर डाल देते हैं, चले अब इसके ऊपर 1 टीस्पून और इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, 2 टीस्पून हमने पहले डाला था, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे सब्जियों के हिसाब से, 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून, थोड़ा इसको सॉटे खुद से होने देंगे, फिर हम हिलाएंगे। चले ये सॉटे हो, जब तक हम अपना सॉस बनाते हैं, आ जाए बस। अब इस मिर्चों के डंडियां निकाल के हम इसको डाल देंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसको पीस लेंगे अच्छा सा। चले ये रेडी हो गया, अब हम अपनी वेजीज देख लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से सॉटे हो रही है, और ये अनियन भी, अनियन अभी सॉफ्ट होना शुरू हुई है, अब थोड़ा सा इसमें जब निशान आएगा ना ग्रिल का, जब तक हमें करना है। चले अब हम अपना सॉस निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया हल्का सा, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, नोर की या मैगी की 1 क्यूब, और अब इसको हम हिला लेंगे। चले जी ये हमारा सॉस भी बन गया, और ये भी गर्मा गर्म देखें रेडी हो गया है। देखें थोड़ी थोड़ी हमें इस तरह की कार्मलाइज अनियन चाहिए, ये थोड़ा सा सॉटे चाहिए, ये देखें अच्छा सा फहीता भी हो गया है। अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं, पहले प्याज डालेंगे और उसके बाद हम अपनी वेजीज डालेंगे थोड़ी, और फिर उसके बाद हम अपना मीट डालेंगे।
जब हमने ये शुरू किया था बनाना, जब ही हमने ये गर्म करने के लिए रख दिया था, ये मेरा सर्विंग प्लेटर रेडी हो गया है। चले अब हम इसको निकालते हैं। देखें हमारा कैसा झटपट रेडी हो गया। और ये एक किस्म का फहीता है और एक किस्म का सॉस है। इसमें बहुत वेरिएशन है, बड़े चटपटी, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बनेगी। तो चले मैं ट्राई करती हूँ। देखें इस तरह से चिकन लेंगे और फिर थोड़ी सी बेल पेपर डालेंगे, थोड़ी सी अनियन डालेंगे इस तरह से, और फिर इसमें हम चीज़ डालेंगे थोड़ी, और फिर इसमें हम ये अपना सॉस डालेंगे। थोड़ा सा तेज़ होगा, लेकिन चूंकि रेड मिर्च हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है फहीता में, तो ये आपका जितना दिल चाहे। तो ये अब रैप हुआ हमारी फ्रेश तौतिया में और ये मेरे मुंह में गया। ज़बरदस्त चिकन भी आप देखें, इतनी ये देखें टेंडर हो गई है और इतनी फ्लेवरफुल है, क्योंकि बहुत अलग तरह के हमने इसमें चीज़ें मैरिनेशन में डाली है, उसने उसको बहुत फ्लेवरफुल बना दिया है। और जहाँ तक चटपटे का ताल्लुक है, वो इन मिर्चों के सॉस ने कर दिया, जो क्रीमी सा है। देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये भाई मिर्च सिर्फ मिर्च से बना हुआ है और एक चीज़ हमने डाल दी। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी के साथ। एक बात और, इस तौतिया की वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका मैं लिंक यहाँ डालती हूँ, आप देखें फ्रेश तौतिया किस तरह बनती है। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।